नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका नर्सिंग कैरियर क्लब के डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के ऑनलाइन सेक्शन में। दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ एनेस्थीसिया। हम इस चैप्टर के अंदर निम्नलिखित पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा है ईथर और क्लोरोफॉर्म, चौथा है इंट्रावीनस एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया, पाँचवा है मसल रिलैक्सेंट और इंस्ट्रूमेंट। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एनिस्थीशिया के इंट्रोडक्शन के बारे में। एनिस्थीशिया का इतिहास पहले ईसवी सन में पौधे मंदागोरा के नारकोटिक इफेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए एनिस्थीशिया शब्द का उपयोग किया गया था। एनिस्थीशिया शब्द का अर्थ है कि कोई सेंस नहीं होना। यह ओलिवर वेंडल हॉल्स द्वारा दिया गया था। बैलेंस एनिस्थीशिया शब्द को जॉन लैंडी ने और रॉल्फ वाटर ने दिया था। हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है एनिस्थीशिया मींस, ऑप्शन है नो सेंस, सेंसरी मोटर वर्क्स फास्ट, ए एंड बी नन ऑफ देम। आंसर है नो सेंस। अब हम बात करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में। फर्स्ट एनेस्थेटिक गैस जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसे 1774 में प्रिस्टली द्वारा सिंथेसाइज्ड किया गया था। नाइट्रस ऑक्साइड का पहला क्लिनिकल उपयोग हम्फ्री डेवी द्वारा किया गया, जिसे डेवी ने टूथेक के लिए खुद पर इस्तेमाल किया और नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा। 1845 में नाइट्रस ऑक्साइड का पहला पब्लिक क्लिनिकल डेमोन्स्ट्रेशन टूथ एक्सप्रेशन के लिए होरेस कुओ द्वारा किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेशेंट दर्द में रोया था। ईथर और क्लोरोफॉर्म, इसे 1540 में वेलिरस कोर्डस द्वारा तैयार किया गया था, जब इसे विट्रियोल के स्वीट ऑयल के रूप में जाना जाता था। WTG मोर्टोन द्वारा ईथर का पहला पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन 16 अक्टूबर 1846 को दिया गया था, और इसलिए 16 अक्टूबर को वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे के रूप में मनाया जाता है। क्लोरोफॉर्म, यह जॉन स्नो ने दिया था, जिसने 400 पेशेंट्स में सफलतापूर्वक क्लोरोफॉर्म को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने अपने 8 बच्चे के जन्म के लिए रानी विक्टोरिया पर क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया। इंट्रावीनस एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया, फर्स्ट इंट्रावीनस एनेस्थीसिया का 1934 में जॉन द्वारा थायोपेंटोन का उपयोग किया गया था। लोकल एनेस्थीसिया, फर्स्ट लोकल एनेस्थीसिया का उपयोग 1884 में एनेस्थीसिया कॉर्निया के लिए कोर्ट कोलर द्वारा किया गया था। डॉग्स में पहला स्पाइनल एनेस्थीसिया जे लियोनार्ड कॉर्निंग द्वारा किया गया था, जबकि ह्यूमन में पहला स्पाइनल एनेस्थीसिया 1898 में अगस्त बायर द्वारा दिया गया था। फर्स्ट एपिड्यूरल एनेस्थीसिया 1901 में कैथलीन और सिकार्ड द्वारा दिया गया था। मसल रिलैक्सेंट और इंस्ट्रूमेंट, हेरोल्ड ग्रिफ्टी ने पहली बार 1942 में मसल रिलैक्सेशन के लिए करी का उपयोग किया था। 1949 में प्रैक्टिस में सक्सिनाइल कोलिन या सक्सामिथोनियम का उपयोग करने के लिए बोवेट को नोबल पुरस्कार मिला। इंस्ट्रूमेंट्स, 1917 में एडमंड गैस्किन बॉयल्स द्वारा फर्स्ट बॉयल मशीन का आविष्कार किया गया था। इवेन मैगिल द्वारा फर्स्ट ईटी इंट्यूबेशन किया गया था। हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट इंट्रावीनस एनेस्थीसिया यूज्ड वाज, ऑप्शन है थायोपेंटोन, प्रोफोल, ट्रेमाडोल, नन ऑफ देम। आंसर है थायोपेंटोन। हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट बॉयल्स मशीन वाज इन्वेंटेड बाय एडमंड गैस्किन बॉयल्स इन 1917, 1945, 1958, 1965। आंसर है 1917। दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और हाँ लाइक करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।